नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम काव्य 22 वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले वीडियो में हमने देखा कि वसंत ऋतु अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति का हर रूप इस ऋतु में निखर उठता है, परंतु वीरों का प्रकृति के इस सौंदर्य में रुचि नहीं होती। उन्हें तो उन शत्रुओं से लड़ने और उन्हें परास्त करने में रुचि होती है, जो अनीति और अन्याय के सिवा कुछ नहीं जानते। हम अब काव्य की पंक्तियां, शब्दार्थ और उसके भावार्थ के बारे में देखेंगे। तो इस काव्य की में तीन पंक्तियां हैं, वह वसंत ऋतु के चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। और बाकी की तीन पंक्तियों में वीरों का वसंत यह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमानी के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए सूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। यानी कि दो तरफ की समानता बताई है। एक वही वीर माना जाता है जो प्रकृति सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर है, और दूसरा यह है कि जो अन्याय और अधर्म का नाश करने में सूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं, यही बताया गया है। तो हम पहले तीन पंक्तियों के बारे में देखेंगे। तो वीरों का कैसा हो वसंत, आ रहे हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दीग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हिमाचल यानी कि हिमालय, पुकार यानी कि आवाज, उदधे यानी कि सागर समुद्र, प्राची पूर्व दिशा, भू पृथ्वी भूमि, नभ तो आकाश, दिग दिगंत यानी कि चारों दिशाएं। तो वीरों का कैसा हो वसंत, प्रकृति सौंदर्य की हम उसके बारे में चर्चा करें। तो आ रहे हिमाचल से पुकार कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, उदधि गरजता बार बार, उदधि यानी कि सागर समुद्र भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व प्राची यानी कि पूर्व, पश्चिम भू यानी कि पृथ्वी, नभ यानी कि आकाश, सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। चारों तरफ से एक ही पुकार रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी हम पूरी पंक्ति का भावार्थ देखें कि हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश यह सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत। फूलों सरसों ने दिया रंग मधु, लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलंकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंद, वीरों का कैसा हो वसंत। मधु यानी कि शराब मदिरा, वधु यानी कि विवाह के लिए तैयार कन्या,
वसुधा यानी कि पृथ्वी, पुलंकित यानी कि आनंदित प्रसन्न, फूलों फूले सरसों ने दिया रंग, सरसों में फूल आ गया है, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, और सरसों में फूल आ गए उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, मधु यानी कि शराब मदिरा, के कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं। फूली ने सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, कि सरसों में फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है, कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है, पृथ्वी भी यानी कि वधु वसुधा पुलंकित अंग अंग है, वीर वेश में किंत कंत वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि पृथ्वी भी वधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, पुलंकित यानी कि प्रसन्न हो रही है, हे वीर वेश में किंतु कंत यानी कि परंतु, नायक यानी कि वीर पुरुष को उसमें दिलचस्पी नहीं है, जो वीर है जो सुरवीर है उन्हें इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है, वह वेश यानी कि अपना वेश धारण करके वह तो यही बताना चाहता है कि वसंत, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सरसों में पूरा भावार्थ देखिए कि सरसों में फूल आ गए उनसे वातावरण भी पीला रंग मिल गया, कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है, पृथ्वी भी वधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है, परंतु नायक वीर पुरुष को इसमें किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है, वह तो वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कोकिला यानी कि कोयल, मरु यानी कि रोगी स्थान, रण यानी कि युद्ध, और विधान यानी कि तरीका। भर रही कोकिला इधर तान, कि इधर कोकिला कोयल तान भर भर कर कूक रही है, मारू बाजे पर उधर गान यानी कि उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं, एक और वसंत का रंग है, एक तरफ वसंत का रंग है दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है, एक और वसंत का रंग है दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है, यानी कि रंग और रण का विधान, विधान यानी कि तरीका पद्धति, एक और रंग और एक और युद्ध, मिलने आए हैं आदि और अंत, और ऐसे लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं, और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। पूरा भावार्थ देखे कि इधर को कोयल ताने भर भर कर कूक रही है, उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं, और वसंत का रंग है और दूसरे और युद्ध का पहलू है यानी कि युद्ध की तैयारी है, ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत दोनों रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे कि वीरों का कैसा हो वसंत। हम अगले वीडियो भाग 3 में आगे की 3 पंक्तियां